हाय फ्रेंड, मैं अंकित अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये मेसी कंपनी का 7250 DI है, मेसी फर्गुसन पावर पंच। इसका हम अभी टैपिट सेटिंग करने वाले हैं, जो कि इसका बोनेट को उतारते हैं, इसके बाद टैंक को उतारते हैं बाहर। टैपिट कवर को खोल लिए हैं, इसका टैपिट दो राउंड में हम सेट करने के लिए अभी बता रहे हैं आप लोगों को। फर्स्ट नंबर का पिस्टन को TDC पोजीशन में रखना है। यहाँ पे इसका मार्क रहता है, यह है स्पिल कट वाला टाइमिंग, हुआ है पिस्टन वाला टाइमिंग, पिस्टन TDC वाला। एक नंबर को टॉप कर लिए हैं, टॉप डेड सेंटर। एक नंबर जब पिस्टन टॉप हो जाता है फर्स्ट राउंड में, इसका टैपिट जो है एक नंबर का पुश रॉड वाला, दो नंबर और तीन नंबर और पांच नंबर फर्स्ट राउंड में मिलाना है। और इसका इनलेट वाला बाल्ब का क्लियरेंस रहेगा, फिलर गियर से जो मिलाते हैं, 0.10, और एग्जॉस्ट वाला रहेगा बाल्ब का क्लियरेंस 0.12। और सेकेंड बार फिर सीधी दिशा में इंजन को घुमाना है, और सीधी दिशा में घुमाने के बाद चार नंबर और छः नंबर का बल्ब का टैपिट मिलाना है। इस प्रकार से हम अभी टैपिट मिला लेते हैं। टैपिट मिलाने के बाद आप लोगों को बताते हैं, और इसका टैपिट पैकिंग लगाना है, जो कि वही पुराना वाला ही हम लगाएंगे, जो कि डक टैपिट कवर में अच्छा है। इसके बाद ये सिम्पसन इंजन है जो मेसी में आता है। अगर आप लोग मेरी चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसके बाद यहाँ पे एक रबर का वाइसर लगता है, और रबर के वाइसर के बाद एक कैप के तरह वाइसर लगता है। इसके बाद 13 नंबर का बोल्ट लगता है। ये रबर का वाशर और कैप वाशर लगा हुआ है, 13 नंबर बोल्ट को लगाते हैं। 13 नंबर बोल्ट लगाने के बाद इसको बराबर समतल टाइप में टाइट मारेंगे, और इस तरह से मेसी का टैपिट मिलाया जाता है 7250 का, जो कि सिम्पसन इंजन आता है इसमें। ये लगा लेते हैं, ये बोल्ट लगाने के बाद इसको टाइट कर लेते हैं। इसमें 4 बोल्ट लगता है। इसके बाद इसका सारे फिटिंग को हम कंप्लीट करेंगे, और टंकी को भी वॉश करना है। टंकी को वॉश करके इस पर लगाना है। ये 13 नंबर रिंग रिंच से इसको बराबर बराबर टाइट करेंगे। अगर आप लोग मेरी चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। ये आज का वीडियो जो था मेसी ट्रैक्टर का टैपिट जो होता है, उसको दो राउंड में सेट करने के लिए, और एक दूसरा तरीका भी होता है टैपिट मिलाने का, वो भी किसी नए वीडियो में बताएंगे आप लोगों को। ये टाइट हो चुका है। इस प्रकार से टाइट करना है कि आयल लीकेज ना करे, और इसका टैपिट मिलाने के लिए 14 नंबर का डाल रिंच लगता है। पत्ती वाला रिंच को हम लोग डाल रिंच बोलते हैं, और ये रिंग रिंच।